ऐसी कौन सी 10 जगह है जहां पर बुद्धिमान मनुष्य हमेशा चुप रहते हैं? इस विषय को हम आज एक गौतम बुद्ध की कहानी से आपको समझाएंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति गौतम बुद्ध के संघ में शामिल होता था तो बुद्ध उसे सबसे पहले शांत रहने के लिए कहते थे। ध्यान की अवस्था में जाने से पहले उस भिक्षु को शांत रहना सिखाया जाता था। आज के दौर में हर तरफ शोर है, इसकी वजह से दिमाग में तनाव पैदा होना लाजमी है। ऐसे में अगर आप हर रोज कुछ देर मौन रहने का अभ्यास करते हैं तो इससे आपके तनाव पैदा होने वाले हार्मोन के लेवल में कमी आती है। इससे आपका दिमाग शांत होता है, गुस्सा नियंत्रित रहता है और तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन्स का लेवल घटता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन मौकों पर हमें शांत रहना है और किन मौकों पर हमें बोलना है, और शांत रहने से हमारे अंदर क्या बदलाव आ सकता है। दोस्तों, संध्या काल का समय था। गुरु अपने सभी शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं, कल सुबह सब लोग नदी में स्नान करने के बाद तुरंत हमारी कुटिया के सामने उपस्थित हो जाना। सभी इसी से हैरान रह जाते हैं कि हम लोगों ने कुछ गलती की है क्या। लेकिन कुछ शिष्य यह कहते हैं कि हो सकता है कि गुरुजी कल सुबह कुछ अच्छी बात बताने वाले हैं। सब लोग रात को सही समय पर सो जाते हैं और सुबह उठकर सभी लोग नदी में स्नान करने के बाद वापस गुरुजी के सामने उपस्थित हो जाते हैं। गुरु कहते हैं, आज मैं तुम सबको चुप रहने के फायदे के बारे में बताऊंगा। गुरु कहते हैं, 10 मौके जहां पर चुप रहने से होता है लाभ और बोलने से नुकसान। गुरु कहते हैं, अगर आप इन 10 मौकों पर शांत हो गए यानी मौन हो गए तो आप जो चाहेंगे वही मिल जाएगा। आपकी जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव शुरू हो जाएंगे। जरूरत से ज्यादा बोलना या चुप रहना दोनों ही अच्छी बात नहीं है। जैसे जरूरत से ज्यादा बारिश हो जाना या फिर धूप दोनों ही दिक्कत देती है, उसी तरह अनावश्यक बोलने से भी काफी नुकसान होता है। गुरु कहते हैं कि पहला ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, बिना तथ्य के ना बोले। गुरु ने कहा, अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो वहां चुप रहने में ही भलाई है। चुप बैठने से दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। बोलने में भलाई वही है जहां आपको किसी चीज के बारे में पूरा ज्ञान हो। अगर आप बिना तथ्य के कहीं बोलते हैं या फिर बेवजह बोलते हैं तो आपका वहां मजाक भी बन सकता है। अगर आपके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है, ऐसी जगह पर बोलने से आपका मजाक तो बनेगा ही, साथ ही साथ लोगों का भरोसा भी आपसे उठने लगेगा। इसीलिए ऐसी जगह पर शांत रहो जहां तुम्हें पता ना हो कि क्या बोलना है क्या नहीं। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर जगह अपनी उपस्थिति बताने लगते हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि हमें क्या बोलना है, लेकिन फिर भी बोलते जाते हैं और फिर बाद में दूसरे लोग उनके जाने के बाद उनका मजाक उड़ाते हैं। जब तक आपको उस तथ्य के बारे में अच्छा ज्ञान नहीं है, उसके बारे में पता नहीं है, तो वहां चुप रहना ही ज्यादा समझदारी है। गुरु ने कहा, दूसरा ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, शब्दों से ना पहुंचे ठेस। अगर आपके शब्द किसी को मानसिक ठेस पहुंचा रहे हैं तो वहां चुप हो जाना चाहिए। कमजोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलकर आप महान नहीं बन सकते हैं। महान आप किसी कमजोर का साथ देने में बनेंगे। कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग अपने से छोटे व्यक्ति को भला बुरा कहते रहते हैं। सामने वाला इंसान तो कद से आपसे छोटा है, वह आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आप उसकी नजरों में गिरते चले जाएंगे। हो सकता है कि कल वह भी आपसे पद में बड़ा हो जाए। पद में आपसे जब वह बड़ा हो जाएगा तो आज जो रवैया आपका उसके साथ है, आने वाले समय में वह भी आपके साथ वही करेगा। आप किसी को नीचा दिखाकर बड़ा नहीं बन सकते हैं। बड़ा बनना है तो अपने से छोटे लोगों की इज्जत भी करना सीखें, और साथ ही साथ बड़े लोगों का भी सम्मान करना चाहिए। लोगों को लगता है कि अगर वह अकड़कर बोलेंगे और सामने वाले को नीचा गिराने की कोशिश करेंगे तो वह बड़े बन जाएंगे, तो यह उन सब की भूल है। बड़े होने की बजाय आप उनकी नजरों में गिरते चले जाएंगे। गुरु ने आगे कहा, इसलिए शिष्यों, तुम सब जब भी बोलना आदर भाव से बोलना, ताकि तुम्हारी बात लोगों को अच्छी लगे। बोलने में भाई बहन, माता पिता, मित्र इत्यादि संबोधन शब्दों का इस्तेमाल जरूर करना। इससे तुम्हारी मान प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ लोगों की नजरों में तुम समझदार व्यक्ति बनते जाओगे। गुरु ने आगे कहा, तीसरा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहने में ही भलाई है,
क्रोध या घृणा करने वाले लोग, जब कोई अपना या सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो, तो आपको उस वक्त चुप रहना चाहिए ताकि सामने वाले का गुब्बारा पूरी तरह से फट जाए। आप यदि सही हैं तो उसे कतई माफी ना मांगे और चुप रहकर ही सही समय का इंतजार करें। वह खुद आपसे माफी मांग लेगा जब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। गुरु आगे कहते हैं कि अगर आपका कोई सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो और आप उस समय शांत हैं, तो यह आदर सम्मान देने की निशानी होती है। इससे ना कोई छोटा होता है और ना ही बड़ा। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो आप या तो वहां से किसी का अनादर किए बिना चले जाएं या फिर चुप रहें। क्रोध करने से आपके रिश्ते खराब होंगे। क्रोध करने से हमेशा क्रोध करने वाले व्यक्ति का ही बुरा होता है। गुरु आगे कहते हैं कि एक बार की बात है, एक सांप जंगल से भागते हुए किसी राजा के घर में पहुंच गया। लोगों ने छेड़खानी की तो वह बहुत ही गुस्सा हो गया, जिससे घर में जो तलवार पड़ी हुई थी उसी को लपेट कर कसने लगा और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर कट गया। ठीक उसी प्रकार हमारा गुस्सा भी हमारे शरीर को तलवार की भांति काटता रहता है। गुस्सा ध्यान से खत्म होता है। प्रतिदिन अगर आप ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं तो आपका गुस्सा आपके नियंत्रण में रहेगा। गुरु आगे कहते हैं कि या तो यह तरीका है कि आप प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करें। इससे आपके शरीर में जो हॉर्मोन्स गुस्से को बढ़ावा देते हैं वह सब तुम्हारे नियंत्रण में रहेंगे, जिससे शरीर गुस्से पर आसानी से काबू पा लेगा। लेकिन एक तरीका यह भी है कि जब भी आपको गुस्सा आए तो आप यह समझने का प्रयास करो कि क्या मेरा गुस्सा जायज है या नहीं। हमें वहां पर बोलना चाहिए कि नहीं। जब आप खुद इस बात का आंकलन लगा पाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमें गुस्सा करना चाहिए या नहीं। फिर भी आपको गुस्सा आ रहा है तो आप वहां से हटने का प्रयास करें, वहां से दूर चले जाएं। धीरे धीरे समय के साथ आपका दिमाग शांत हो जाएगा। गुरु ने कहा, चौथा, ऐसा मौका जहां पर इंसान को बहुत ही समझदारी के साथ काम लेना चाहिए, वहां पर आपको चुप रहना ही चाहिए, जहां पर उस मुद्दे से आपका कोई संबंध ना हो। अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध ना हो तो वहां आपका चुप रहना बनता है। बिना किसी वजह अगर आप दूसरे के मुद्दे पर बोलेंगे तो यह आपके लिए अनिश्चितकारी होगा। इसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान है। जब भी आप किसी भी दो लोगों के बीच हो रहे विवाद में जल्दी अपनी टांग ना डालें। अगर सामने वाला आपको बुला रहा है अपना झगड़ा शांत करवाने के लिए तो ही आप वहां पर जाएं। किसी की व्यक्तिगत जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए जब तक कि वह व्यक्ति आपको नहीं बुलाता है। अपने झगड़े को शांत करवाने के लिए कुछ लोग फालतू में दूसरे के विवाद में कूद पड़ते हैं। इससे उनके मान सम्मान मर्यादा पर लोग उंगली उठाने लगते हैं। गुरु कहते हैं कि अब 10 मौकों में से 5 ऐसे मौका भी है जहां पर व्यक्ति को बहुत ही समझदारी के साथ चुप रहना चाहिए। आपके शब्दों से किसी मित्र को हानि ना पहुंचे। अगर आपके शब्द सामने वाले के परिवार या मित्रों की प्रतिष्ठा के बारे में बुरी झलक दिखा रहे हैं तो आपको चुप रहना चाहिए। किसी के परिवार या फिर मित्र के बारे में बुरा बोलने से केवल आप ही बुरे बनेंगे। जो चीज आसानी से खत्म की जा सकती है उसे अपने शब्दों से बड़ा ना करें। बिना चिल्लाए बात करने का प्रयास करते रहना चाहिए। अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कह सकते तो आपका चुप रहने में ही भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है। ज्यादा बोलने से चीजें हमेशा खराब ही होती हैं। कई बार कुछ रिश्ते ज्यादा बोलने की वजह से टूट जाते हैं, इसलिए अपनी आवाज में मीठापन लाए। आपके शब्दों से आपके दोस्त को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। कभी कभी दोस्तों में हम मजाक उड़ाते हैं, लेकिन याद रखें, आपके शब्दों से किसी का अनादर न हो। मजाक को भी हमेशा शब्दों के मायने में ही रखें। जहां किसी को शब्दों से चोट लगे वहां चुप हो जाएं। ज्यादा बोलने से हमेशा नुकसान ही होता है। किसी और की प्रतिष्ठा को अपने शब्दों के माध्यम से हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। यदि आपके शब्दों से किसी और की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है तो वहां आपको चुप हो जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके सामने नहीं है तो आप उस व्यक्ति के बारे में बुरे शब्द किसी तीसरे व्यक्ति के सामने ना बोले। गुरु कहते हैं, छठा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, जब कोई कर रहा हो किसी की बुराई। जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा हो तब तुम्हें चुप रहकर बस सुनना चाहिए।
अपनी राय व्यक्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है, वह कल किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है। यदि आपने कुछ कहा है तो नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है, वही इंसान समझदार होता है। बिना जरूरत के बोलना, किसी के बारे में, किसी के बीच में बोलना, ये गलत बात है। कभी कभी हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है कि हमें अपना मुंह ऐसी जगह पर नहीं खोलना चाहिए। गुरु आगे कहते हैं कि 10 मौकों में सातवां ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। जब कोई नहीं समझे आपकी भावना, यदि आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी भावना, दुख या परेशानी को शब्दों में नहीं समझ रहा है, यदि आपको लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी भावना या दुख को या आपकी जो परेशानी है उसको वह समझ नहीं पा रहा है या समझने का प्रयास ही नहीं कर रहा है या वह आपको ध्यान से सुन ही नहीं पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के सामने आप चुप ही रहें, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या दुख से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे लोगों को अपना राज बताकर आप पछताएंगे ही बाद में। इसलिए हर किसी को अपने मन की बात नहीं बतानी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला आपकी बात को नहीं समझ पा रहा है, आपकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहा है, तो वहां पर आपको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बाद में आपका मजाक ही बन जाएगा। जब आपको लगने लगे कि सामने वाला आपकी भावनाओं को ठीक तरीके से समझ रहा है, आप जो कह रहे हैं वह ठीक से सुन रहा है, तभी आप उससे अपनी बात कहें। गुरु कहते हैं कि आठवां मौका जहां पर आपको चुप रहना चाहिए, जब कोई इंसान अपना दुख व्यक्त करे। यदि कोई इंसान अपने दुख या परेशानी को आपको बता रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वह आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत ही उसे समाधान बताने के बजाय चुप रहकर उसके दुख या समस्या को सुने। उसके दुख या समस्या को किसी और को न बताएं। वह आपको अपनी समस्या इसलिए बता रहा है कि आप उसकी समस्याओं का समाधान कर देंगे, बल्कि वह इसलिए भी बता रहा है कि सामने वाला उसकी बात को समझ रहा है। कई बार बताने से दुख कम हो जाते हैं। आपको अपना दुख इसलिए बता रहा होगा कि उसे लग रहा है कि आप उसकी बात को समझ रहे हैं। दुख बांटने से कम हो जाता है, इसलिए जब कोई व्यक्ति अपना दुख आपसे व्यक्त करे तो आप चुप रहकर उसकी बात को बहुत ही ध्यान से सुने, ताकि उसका दुख कम हो जाए, उसके मन का बोझ हल्का हो जाए, क्योंकि उसके मन में जो भी बातें थीं वह आपको सब बता दिया। गुरु आगे कहते हैं कि 10 जगहों में 9वीं ऐसी जगह जहां पर आपको चुप रहना चाहिए, वह है जहां पर दुष्ट प्रकृति के लोग रह रहे हों और गाली गलौज कर रहे हों, तो आप वहां पर मत जाइए। ऐसी जगहों से आप चुपचाप निकल जाए, अर्थात अपनी प्रतिक्रिया दिए बिना आप वहां से चले जाए, क्योंकि जिसकी जुबान खराब होती है, जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, उनको आप ऐसे समय में नहीं समझा सकते हैं। जब उनका दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाए, तभी वह आपकी बात सुनेंगे। इसलिए जहां पर दुष्ट प्रकृति के लोग आपकी बात को ना मानते हों और ना ही सुनते हों, तो आपको वहां पर नहीं बोलना चाहिए। गुरु कहते हैं कि अगला 10वां मौका जहां पर आपको शांत हो जाना चाहिए, वो है कि अपनी सफलता का राज हर किसी को ना बताएं। कई बार होता है कि कुछ लोग जो सफलता को बहुत ही जल्दी अर्जित कर लेते हैं, वे हर जगह अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटने लगते हैं। ऐसे में क्या होता है कि कई लोग आपकी सफलता से खुश नहीं होते हैं। अगर आप अपनी सफलता का जबरदस्ती लोगों में ढिंढोरा पिटवा रहे हैं, तो लोगों की नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित कर सकती है। जब आप सफल होंगे तो सबको पता चल जाएगा कि आप सफल हो गए हैं। ढिंढोरा पीटने से नुकसान आपका ही होगा। इतना कहकर गुरु ने कहा, शिष्यों आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम सब मेरी इन 10 बातों को अपने जीवन में अपना लेते हो, तो तुम सब काफी हद तक परेशानियों से बचे रहोगे। यहां से जाने के बाद मेरी यह बातें आपके जीवन किसी वरदान से कम साबित नहीं होंगी। जीवन में असली सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है, इस विषय पर हम अगली आज की रोचक कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध का एक अनुयायी, जो कि सालों से गौतम बुद्ध के आश्रम में आ रहा था, वह उनके प्रवचन सुनता, आश्रम में ध्यान आदि करता और फिर चला जाता। लेकिन अचानक कुछ दिनों से उसने आश्रम में आना ही बंद कर दिया था। यह बात गौतम बुद्ध ने भी अनुभव की। एक दिन जब गौतम बुद्ध उस गांव से भिक्षा मांगकर वापस लौट रहे थे, तो रास्ते में उस अनुयायी का घर भी पड़ा। बुद्ध उसके घर के अंदर चले गए।
अंदर जाके देखा तो वह इंसान आंगन में बैठकर कुछ काम कर रहा था। बुद्ध को देखते ही वह जल्दी से हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया। उसने बुद्ध को पीने के लिए शीतल जल दिया और बैठने के लिए आंगन के चबूतरे पर एक चटाई बिछाई। बुद्ध चटाई पर आराम से बैठ गए। फिर बुद्ध ने उस अनुयायी से पूछा, तुम्हारे घर परिवार में सब कुछ ठीक तो है ना? अनुयायी बोला, हाँ बंथे, सब ठीक है। बुद्ध ने पूछा, फिर तुमने आजकल आश्रम में आना क्यों छोड़ दिया? यह सुन वह अनुयायी थोड़ा सा शर्मिंदा होने लगा, फिर बोला, अब मैं आपको कैसे बताऊं बुद्ध? गौतम बुद्ध ने कहा, तुम भी संकोच कह सकते हो। अनुयायी ने कहा, मेरे वस्त्र बहुत ही पुराने हो चुके हैं, वे कई जगह से फट गए हैं, उनमें छेद निकल आए हैं, अब वो बिल्कुल भी पहनने लायक रहे ही नहीं। बुद्ध ने अनुयायी के वस्त्र देखे, वह सच में बहुत ही बुरी हालत में थे, जगह जगह से घिस चुके थे, कई सारे छेद थे। इसके बाद बुद्ध मुस्कुराते हुए अनुयायी के कंधे पर हाथ रखकर बोले, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बुद्ध ने अपने एक धनवान अनुयायी को रुकने के लिए कहा। जब सब चले गए तो बुद्ध ने अकेले में उस धनवान अनुयायी से अपने उस गरीब अनुयायी को दो जोड़ी वस्त्र देने को कहा। धनवान अनुयायी उस गरीब अनुयायी के घर वस्त्र भिजवा देने का वचन देकर वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह वह अमीर अनुयायी उस गरीब अनुयायी के परिवार के हर एक सदस्य के लिए दो दो जोड़ी कपड़े एक पोटली में बनवाकर अपने नौकर के हाथ भिजवा देता है, जिसे देखकर उस गरीब अनुयायी का पूरा परिवार बहुत ही खुश होता है। अगले दिन जब वह गरीब अनुयायी दोबारा से बुद्ध के आश्रम उनके प्रवचन सुनने आता है तो अंत में जाते समय बुद्ध उस अनुयायी को रोककर उससे पूछते हैं, क्या अब तुम अपने नए वस्त्रों में आराम से हो? तुम्हें और कुछ तो नहीं चाहिए? अनुयायी ने कहा, पहले तो आपका बहुत बहुत आभार बंथे, मैं इन कपड़ों में बिल्कुल आराम से हूं और मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। बुद्ध ने आगे पूछा, अब जबकि तुम्हें नए वस्त्र प्राप्त हो चुके हैं तो तुमने अपने पुराने वस्त्रों का क्या किया? अनुयायी ने कहा, हमारा परिवार अब से उन्हें बिस्तर में बिछाने और ओढ़ने के काम में लेगा, अब हम उन्हें ओढ़ने की तरह उपयोग में लेंगे। बुद्ध ने कहा, फिर तुमने अपनी पुरानी और नए वस्त्र का क्या किया? अनुयायी ने कहा, बुद्ध मैंने उसे अपने घर की खिड़कियों में पर्दे की तरह लगा दिया है। बुद्ध ने कहा, तो क्या तुमने अपने पुराने पर्दे फेंक दिए? अनुयायी बोला, नहीं बथे, अब मैं उन पर्दों के छोटे छोटे टुकड़े करके उनका उपयोग रसोई में गर्म बर्तनों को तारने और पकड़ने के लिए कर रहा हूं। बुद्ध ने पूछा, तो फिर तुमने रसोई के पुराने कपड़ों का क्या किया? अनुयायी ने कहा, अब मैं उनका उपयोग घर में पोछा लगाने के लिए करूंगा। बुद्ध ने कहा, तो फिर तुम्हारे पुराने पोंछे का क्या हुआ? अनुयायी ने कहा, बुद्ध वो पुराना पोंछा इतना तार तार हो चुका था कि अब उसका कुछ भी नहीं किया जा सकता था, इसलिए मैंने उस पोंछे से एक एक धागा अलग करके दिए के लिए बतियां बना ली। उन्हीं में से कुछ बतियां मैंने आश्रम में दान कर दी हैं, जो अब आज रात से आपके कक्ष में प्रकाशित होंगी। यह सुन बुद्ध अनुयायी से संतुष्ट हो गए। वे इस बात से बहुत खुश थे कि उनका शिष्य वस्तुओं को बर्बाद नहीं करता बल्कि उनका सही से उपयोग करना जानता है। गौतम बुद्ध हमेशा अपने शिक्षकों को बहुत ही कम चीजों के साथ जीवन निर्वाह करने की शिक्षा देते थे। साथ ही उनका यह भी मानना था कि यदि हमारे पास कुछ भी हमारी जरूरत से अधिक है, हमें उसे दूसरे जरूरतमंद लोगों को दे देना चाहिए। काश हमारी आज की जनरेशन यह संदेश समझ पाए। आज लगभग हर इंसान अपनी जरूरत से अधिक चीजें खरीद रहा है, केवल लोगों की देखा देखी में और दूसरों को शो ऑफ करने के चक्कर में। आजकल पुरानी चीजों को रीयूज करना तो दूर की बात है, हम लाई हुई नई चीजों को ही पूरी तरीके से यूज नहीं कर पाते। इसका एक कारण यह भी है कि आज के इस मॉडर्न दुनिया में हर रोज नई चीजें इन्वेंट हो रही हैं, जिससे बहुत ही जल्द चीजों का फैसला खत्म हो जाता है और दूसरी नई प्रकार की वस्तु चलने में आ जाती है। आजकल जब हम कोई फोन या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लेते हैं तो उनमें कितने तरह के फंक्शन की जांच करते हैं, लेकिन एक सर्वे के अनुसार एक इंसान अपने फोन के 60% फीचर्स कभी यूज ही नहीं करता या फिर बहुत ही कम बार उसे यूज करता है। यानी कि अगर वो फीचर्स ना भी होते तब भी उस इंसान का काम रुकने वाला नहीं था। आज जब प्राप्ति संसाधन दिन प्रतिदिन खत्म होते जा रहे हैं तो ऐसे में हमें भी पूरा प्रयास करना चाहिए कि चीजें कम से कम बर्बाद करें।
और अपने छोटे छोटे प्रयत्नों से इस पृथ्वी को सुरक्षित बनाकर रखें। तो दर्शकों, चलिए अब अगली कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, किसी नगरी में एक युवक रहता था। वह युवक एक सरकारी नौकरी करता था, जिससे उसे बहुत अच्छी तनख्वाह भी मिलती थी और उसी तनख्वाह से उसका पूरा परिवार चलता था। उसके परिवार में वह उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी थी, लेकिन फिर भी उसका मन बहुत बेचैन रहता। वह बहुत चिंतित रहता। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके जीवन में क्या हो रहा है, वह क्या चाहता है, उसने आखिर इस धरती पर जन्म क्यों लिया है। ऐसे कई सारे सवाल उसके मन में उठ रहे थे। तभी एक दिन जब वो अपने बिस्तर पर सो रहा था, तो उसे एक सपना आया। उस सपने में उस व्यक्ति ने देखा, केवल एक संत से मिला है। वह संत बड़े ही ज्ञानी है, बड़े ही दयालु है। उन संत ने उसे एक ऐसा मंत्र दिया है, जिस मंत्र की मदद से उसका पूरा जीवन बदल रहा है, उसका पूरा जीवन खुशहाल हो रहा है और वह बहुत खुश है। लेकिन तभी अचानक उसकी नींद खुल गई और उसके बाद वह और भी ज्यादा चिंतित हो गया, और भी ज्यादा परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या यह हकीकत है या एक सपना। ऐसे ही कई दिन बीत गए। तभी अचानक वो एक दिन अपने काम के सिलसिले में कहीं जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक गुरुवर मिले। वह गुरुवर अपने आश्रम की ओर जा रहे थे। वह व्यक्ति उन गुरुड़ को देखता है और उनके पास जाता है। उन्हें प्रणाम करके वह उनसे कहता है, है महाराज, मैं कई दिनों से सो नहीं पाया हूं। मेरा मन बहुत बेचैन रहता है। मेरा मन किसी भी काम में नहीं लगता। मैं हमेशा दुखी रहता हूं, सोचता रहता हूं, चिंतित रहता हूं। और तो और, अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने एक सपना देखा था। उस सपने में मुझे एक संत मिले थे। उन संत ने मुझे एक ऐसा मंत्र दिया था, जिसे मेरा पूरा जीवन बदलने लगा था। मैं हमेशा खुश रहता था, हमेशा उत्साहित रहता था। लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि जो सपना मैंने देखा था वह सच था या झूठ है। महाराज, मेरी मदद कीजिए। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर वह क्या था। क्या मुझे आप वह मंत्र दे सकते हैं, जिससे मेरा जीवन सुख में हो जाए, जिससे मैं अपना जीवन सुखी सुखी बिता सकूं। मुझे किसी चीज की कोई चिंता ना रह जाए, ना ही किसी चीज का कोई डर हो। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर वह गुरुवर जोर से हंस पड़े और उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, तुम सरकारी नौकरी वाले हो, तुम भला इन उलझनों में क्यों पड़ते हो? इससे तुम्हारा जीवन सुलझने वाला नहीं है, उलझता ही चला जाएगा। लेकिन वह व्यक्ति भी बहुत समझदार था। उसने उन गुरु की बात समझ ली। उनका इशारा वह समझ चुका था। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, है महाराज, कई दिन हो चुके हैं और मेरा मन अत्यधिक बेचैन है। मैं ढंग से सो तक नहीं पाता। मेरा जीवन मुझे नीरज लगता है। मेरा जीवन मुझे व्यर्थ लगता है। मैं बार बार बस यही सोचता हूं कि आखिर मेरा जन्म क्यों हुआ है और मैं बाकियों की तरह खुश क्यों नहीं हूं। क्या मुझे खुश होने का कोई हक नहीं? क्या मुझे अपने जीवन को खुशी खुशी बिताने का कोई हक नहीं? तभी वह गुरुवर कहते हैं, तुम भी अपने जीवन को खुशी खुशी बिता सकते हो। इस पर वह व्यक्ति कहता है, परंतु कैसे महाराज, हर कोई मुझे तरह तरह के उपाय बताता रहता है और मैंने उन तरह तरह के उपाय को अपने जीवन पर लागू किया है, लेकिन उसके बाद भी मैं हमेशा दुखी ही रहता हूं, परेशान रहता हूं, बेचैन रहता हूं और मुझे मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता। मैं बहुत चिंतित हो चुका हूं और अपने इस जीवन से अब हार चुका हूं। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तभी वह गुरु कहते हैं, बेटा, जो तुमने सपना देखा था वह बिल्कुल सच था। मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र दे सकता हूं, जिसे तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। कभी वह व्यक्ति कहता है, महाराज, आपकी बड़ी कृपा होगी यदि आप मुझे वह मंत्र दे दें। वह मंत्र मैं किसी भी हालत में अपने जीवन पर लागू करूंगा, फिर चाहे परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हों। उस मंत्र का हर समय, हर स्थिति में मैं पालन करूंगा। बस आप एक बार मुझे वह मंत्र दे दीजिए, मैं आपका बड़ा आभारी रहूंगा। उस व्यक्ति की ये सारी बातें सुनकर वह गुरु उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें वह मंत्र दे देता हूं, लेकिन यह मंत्र बहुत मुश्किल है। लेकिन यदि तुम्हारे अंदर तीव्र इच्छा है तो यह मंत्र तुम्हारे जीवन में वापस से खुशियां भर देगा। तुम्हारे सादे जीवन में फिर से एक बार रंग भर देगा। तुम्हारे सामने नई खुशियां और शक्ति प्रकट होगी और तुम इस मंत्र से ही जीवन के सत्य को भी जान सकोगे। तभी वह व्यक्ति बड़ा उत्साहित होते हुए
उन साधु से कहता है, बताइए महाराज वह कौन सा मंत्र है, बताइए। वह कहते हैं, वह मंत्र यह है कि आज से अगले 3 महीनों तक तुम्हें हर समय सत्य बोलना होगा, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, फिर चाहे परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो, तुम्हें पूरी निष्ठा से इस मंत्र का पालन करना होगा। और यदि तुम इस मंत्र का पालन करने में सफल हो जाते हो तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, फिर तुम जैसा जीवन चाहते हो तुम्हें वैसा ही जीवन प्राप्त होगा। इतना कहकर वह साथ वहां से चले गए। तभी वह व्यक्ति मन ही मन यह सोचने लगा कि भला यह कौन सा मंत्र है कि मुझे सत्य बोलना होगा। मैंने तो सोचा था कि यह साधु मुझे कोई ऐसा मंत्र देंगे जिससे मेरा जीवन तुरंत ही बदलना शुरू हो जाएगा, मेरे जीवन में खुशियां आनी शुरू हो जाएंगी और मेरा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तभी वह व्यक्ति कुछ देर शांत होकर सोच विचार करता है और फिर वह यह तय करता है कि वह उन गुरु की बातों पर चलेगा, उन गोलू की बातों का पालन करेगा और वह 3 महीने तक सत्य ही बोलेगा। वह यह निश्चय कर लेता है कि आपसे चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, समय चाहे कैसा भी क्यों ना हो, वह केवल सत्य ही बोलेगा। और उस व्यक्ति ने उसी क्षण से झूठ त्याग दिया और उसने सत्य बोलना शुरू कर दिया। वह एक सरकारी नौकरी करता था जहां पर वो और उसके अन्य मित्र भी रिश्वत लिया करते थे। उसने उसी दिन से रिश्वत लेना बंद कर दी। और इस व्यक्ति की एक और आदत थी, वो पल पल चाय पिया करता था। उसने वो चाय पीना भी छोड़ दी। धीरे धीरे उसके मन से चाय पीने की इच्छा खत्म होती चली गई। धीरे धीरे ऐसे ही कई दिन बीत गए और उसका मन अब शांत होने लगा था। अब उसे चैन की नींद आने लगी थी, वह बहुत अच्छा महसूस करने लगा था। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है ना, वक्त पलटते देरी नहीं लगती। संयोग ऐसा हुआ कि उसी हफ्ते कर्मचारियों की जांच हुई और इलेक्शन में यह पता चला उस विभाग के कई लोग रिश्वत लेते हैं। और इसी सिलसिले में जब उस व्यक्ति से पूछताछ की गई तो उसने सब कुछ सच सच कह दिया। वह व्यक्ति कहता है, हाँ, हम अब तक जो रिश्वत लिया करते थे उसे हम आपस में बांट लिया करते थे। उस निरीक्षण कर्मचारी ने तुरंत ही उनके खिलाफ एक्शन लिया और उसकी एक रिपोर्ट बनाई गई। उस व्यक्ति के साथ उसके अन्य मित्रों पर भी कार्रवाई शुरू की गई। उन सभी के खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज किया गया और केवल उस व्यक्ति के सच बोलने से वह व्यक्ति और उसके अन्य मित्र भी इस मुकदमे में फंस चुके थे। हर कोई परेशान था कि आखिर वह क्या करें। सभी को उस व्यक्ति ने मुसीबत में डाल दिया था। कोर्ट में सारे कर्मचारियों ने उस व्यक्ति के खिलाफ झूठा बयान दिया कि रिश्वत केवल वही लेता है और यह हमें बदनाम करना चाहता है, उसने हमें झूठ बोलकर फंसाया है। उन सभी कर्मचारियों की बात सुनकर वह व्यक्ति यह तो समझ चुका था कि अब उसे लंबी सजा होने वाली है। इधर जब यह बात उसकी पत्नी और उसकी बच्ची को पता चली तो उन्होंने भी उस व्यक्ति का साथ छोड़ दिया। उसके सभी मित्र उसका साथ छोड़ चुके थे, उसके सभी सगे संबंधी थीं अब उसकी एक बात नहीं सुनना चाहते थे। वह बिल्कुल अकेला हो चुका था, अब उसके साथ कोई नहीं था। जेल में बैठे हुए तो व्यक्ति अपने आप से कहता है, उन साधु की बात मानते हुए मुझे अभी केवल 13 दिन ही हुए हैं और सच बोलने के कारण मेरी नौकरी चली गई, मेरा परिवार मुझे छोड़कर चला गया, मेरे सगे संबंधियों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, मैं बिल्कुल अकेला हो चुका हूं और अभी तो केवल 13 दिन ही बीते हैं और अभी तो 3 महीनों में ना जाने क्या क्या होगा। यह ख्याल जब उसके मन में आया तो उसने यह भी सोचा कि मुझे सत्य बोलने के इस मंत्र को यहीं पर छोड़ देना चाहिए और मुझे झूठ बोलकर इस मुकदमे से बाहर निकलना चाहिए। लेकिन तभी उसे उस साधु की बात याद आई कि तुम्हें इसे पूरे 3 महीनों तक अपने जीवन में उतारना होगा, उसके बाद ही तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलने लगेगा। इधर वह यह सोच ही रहा था, किताबी साध जिसने उस व्यक्ति को यह सारी बातें बताई थीं, जिसने उसे वह मंत्र दिया था, वह भी उसे अपने दिव्य दृष्टि से देख रहे थे और वह जोर से हंस पड़े और कहने लगे, शिष्यों, आज तुम जानते हो क्या हुआ, जिसे मैंने सच बोलने का मंत्र दिया था आज वह जेल में है और उसका साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा, उसका परिवार उसे छोड़कर चला गया, उसके सगे संबंधी भी उसकी एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं, उसके मित्रों ने उसे खुद ही फंसा दिया। तभी एक शिष्य खड़ा होकर उन साधु से पूछता है, हे गुरुवर,
यह तो उसके साथ बहुत बुरा हुआ, किंतु आप हंस क्यों रहे हैं? तभी वह साधु उस शिष्य से कहते हैं, मैं उस व्यक्ति पर नहीं हंस रहा, मैं तो इस दुनिया की मूर्खता पर हंस रहा हूं। जब तक वह व्यक्ति झूठ बोलता रहा, लोगों को फंसाता रहा, लोगों को धोखा देता रहा, तब तक लोग उसकी इज्जत करते थे। लेकिन जैसे ही उसने सच बोलना शुरू किया, सत्य की राह पर चलना शुरू किया, लोगों ने उसका तिरस्कार करना शुरू कर दिया, उसे भला बुरा कहना शुरू कर दिया, उसे फंसाना और उसके खिलाफ बेईमानी भी शुरू कर दी। यहां तक कि उसके अपने तक उसका साथ देने को तैयार नहीं। और ऊपर से इस दुनिया के लोग कहते हैं कि अब लोगों में सच्चाई कहां रही। मैं इसलिए हंस रहा हूं, कुछ दिनों बाद ही उस व्यक्ति को अदालत में पेश किया गया। तभी वहां पर उपस्थित एक जज ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हारा वकील कहां है? तुम्हारा मुकदमा कौन राधिका? इस पर वह व्यक्ति कहता है, जैसा, मेरा कोई वकील नहीं है इस पर। वह जज कहता है, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए एक सरकारी वकील कर सकता हूं, जिसकी मदद से तुम इस मुकदमे को लड़ सकते हो और अपनी बेकसूर साबित कर सकते हो, और इससे हो सकता है कि तुम्हारी सजा भी कम हो जाए। तभी वह व्यक्ति मुस्कुराने लगा और जज से कहता है, जज साहब, मुझे किसी वकील की कोई आवश्यकता नहीं। अब चाहे मुझे कितनी भी सजा क्यों ना हो जाए, लेकिन सत्य तो यही है कि जो भी रिश्वत हम लेते थे, उसे आपस में हम बांट लिया करते थे और उसका एक हिस्सा मैं भी लेता था। लेकिन आज से 13 दिन पहले मुझे एक संत मिले। उन संत ने मुझे एक मंत्र दिया था और कहा था कि अब से तुम कभी भी झूठ मत कहना, चाहे परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो, चाहे तुम्हारे सामने हालत कैसे भी क्यों ना हो, तुम हर हाल में सत्य ही कहना। वह दिन और आज का दिन मेरा सब कुछ लूट चुका है। मेरे पास मेरी नौकरी नहीं रही, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी सब मुझे छोड़कर जा चुके हैं। मेरे अपने मित्रों ने झूठी गवाही देकर मुझे इस मुकदमे में फंसा दिया, और मेरे सगे संबंधी भी मेरी एक बात सुनने के लिए तैयार तक नहीं। मैंने अपना सब कुछ खो दिया है और आज मैं इस अदालत में खड़ा हूं। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर जज ने कुछ समय का विराम लिया और चुपचाप उस व्यक्ति को अपने कमरे में बुलाया, उससे बातें की, उसे पूछताछ की और कहा, कौन है वह संत जिनकी बातों के प्रभाव में आकर तुमने सत्य की राह न ली? तुम सत्य बोलने पर अड़ चुके हो और तुम्हें यह तक नजर नहीं आता कि इसे तुम्हारा कितना नुकसान हो रहा है। तुम पूरी तरह से बिखर चुके हो, तुम्हारे पास अब कुछ नहीं रहा। तभी वह व्यक्ति उन संत के बारे में उस जज को सब कुछ सच सच बता देता है। और संयोग की बात देखिए, वह जज भी उन संत के बारे में सब कुछ जानता था। वह भी उनका एक शिष्य था जिन्होंने उस व्यक्ति को सत्य बोलने का मंत्र दिया था। उस व्यक्ति की सारी बातें सुनकर जज उस व्यक्ति से कहता है, हां बिल्कुल सही है, आप सत्य की राह पर अड़े रहें, काश ऐसा मैं भी कर पाता। कुछ समय बाद अदालत की कार्रवाई फिर शुरू की गई और जज ने इस बार उस व्यक्ति पर कुछ जुर्माना लगाकर उसे रिहा कर दिया। लेकिन अब उस व्यक्ति की नौकरी नहीं थी, ना ही उसके साथ उसके परिवार वाले थे, ना ही उसके सगे संबंधी। वह बिल्कुल अकेला था। हर कोई उसे पागल समझता था, उसे बेवकूफ समझता था। सभी ने अपना नाता उससे तोड़ लिया। उन्होंने जैसे तैसे हिम्मत बांधी और एक किराए का कमरा लिया, और उस किराए के कमरे में वो आसपास के बच्चों को शिक्षा देने लगे। लेकिन उन्होंने अपना सत्य का संकल्प छोड़ा नहीं था। वह अपने सत्य के संकल्प पर अभी भी अडिग थे, और उनके इसी संकल्प के कारण उनके जीवन में वह दिन भी आया जिसका वह इंतजार कर रहे थे। एक दिन उनके घर पर एक चिट्ठी आई और चिट्ठी में यह लिखा हुआ था, आपके पिता के पास जमीन का एक टुकड़ा था जिसे सरकार ने अपने कब्जे में रखा था, लेकिन अब सरकार आपको मुआवजे के तौर पर 13 लाख रुपए दे रही है। जबकि हैरानी की बात यह है कि उस व्यक्ति को उस जमीन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वह तो यह भी नहीं जानता था कि उसके पिता के पास ऐसी कोई जमीन भी है। और जब उसने दिन पर ध्यान दिया तो उसने देखा कि उसका 3 महीने का जो संकल्प था सत्य बोलने का, वह पूरा हो चुका था। और वह यह समझ चुका था कि 3 महीने झूठ ना बोलने का इनाम उसे आज मिला है। वह तुरंत अपनी पत्नी और बच्चे के पास गया और मुआवजे की जो रकम उसे मिली थी उसने अपनी पत्नी और बच्चों को दे दी, और अपनी पत्नी से कहता है, मैंने आज तक बहुत झूठ बोले थे, बहुत लोगों को धोखा दिया था, बेईमानी की थी,
जिस कारण मेरा जीवन पूरी तरह से नीरस हो चुका था। मैं हमेशा डर में रहता था, मेरे मन में एक अजीब सा भय लगा रहता था। मैंने हंसना छोड़ दिया था, जीना छोड़ दिया था। लेकिन अब जब से मैंने सच बोलना शुरू किया है, मैं कठिनाइयों के बीच में भी हमेशा खुश रहता हूं। मुझे किसी बात का कोई डर नहीं, मेरे मन में किसी प्रकार का कोई भय नहीं। मेरे मन में हमेशा एक चैन की शांति रहती है। मैं हमेशा खुश रहता हूं और इसके लिए मैं उन संत का बहुत बहुत आभारी हूं जिसने मुझे 3 महीनों के लिए ये संकल्प दिया था। अब वो 3 महीने पूरे हो चुके हैं। 3 महीनों के बाद जब मुझे इतना फायदा हो सकता है, तो मैं यह देखना चाहता हूं कि अगर मैं जीवन भर झूठ ना बोले, सत्य की राह पर चलन सत्य कहो, तो मेरा कितना फायदा हो सकता है। और इसीलिए आज मैं तुम्हारे पास आया हूं ताकि यह पैसे मैं तुम्हें दे सकूं। यह पैसे तुम रखो और तुम इसे अपना जीवन बनाओ, और मैं वापस आपके उसी राह पर जा रहा हूं, क्योंकि जिस राह पर मैं चल पड़ा हूं, उस राह पर तुम्हारा चलना नामुमकिन है। उस राह पर बहुत मुश्किलें हैं, बहुत कठिनाइयां हैं, लेकिन भीतरी भीतर बहुत आनंद भी है। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है, और ठीक उसी समय वह गुरु भी अपने ध्यान की दृष्टि से देख रहे होते हैं, और वह जोर से हंसते हैं और अपने उन शिष्यों से कहते हैं, तुम जानते हो आज क्या हुआ है। उस व्यक्ति ने आज सब कुछ खोकर भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। आज उसने सत्य की शक्ति को जान लिया है, और यह एक महान जीवन का आरंभ है। ऐसा व्यक्ति चाहे जहां भी रहे, वह लोगों के लिए प्रेरणा और शक्ति का स्रोत बनेगा। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम कभी खुद से सत्य नहीं कहते। हम सबकी परेशानी का कारण है, क्योंकि हम खुद से ही झूठ बोलते हैं। खुद अपने शब्दों पर विश्वास नहीं करते, इसलिए खुद को कमजोर बना लेते हैं। यदि आपने अपने जीवन में कोई भी लक्ष्य निर्धारित किया है, तो उस लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से तत्पर हो जाइए। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको उस लक्ष्य को पाना ही है। इसके लिए आपको चाहे कुछ भी दांव पर क्यों ना लगाना पड़े, आप उसे दांव पर लगा दीजिए। जिस तरह से उस व्यक्ति ने किया था, उसने सत्य की राह किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ी। उसने अपना संकल्प नहीं तोड़ा। इस तरह का कर्म करना, सच बोलना, यह सत्य है। संकल्प शक्ति से आप कठिन से कठिन कार्य को भी बड़ी सरलता और सहजता से पूर्ण कर सकते हैं। और संकल्प शक्ति से जुड़ने के लिए विचारों, शक्ति और कर्मों का शुद्ध होना अति आवश्यक है। इसलिए आप चाहे जो भी कार्य कर रहे हो, वह छोटा हो, बड़ा हो, चाहे आपके जीवन का लक्ष्य छोटा हो या बड़ा हो, उसे पूरी ईमानदारी और विश्वास से करो। और यह बात आपको कोई नहीं बता सकता, यह तो आपको खुद ही जाननी पड़ेगी कि आज तक आपने जो कुछ भी कार्य किया है, क्या उसे आपने पूरी ईमानदारी और विश्वास के साथ किया है। यदि हां, तो आप उस कार्य में जरूर ही सफल हुए होंगे, और यदि नहीं, तो निश्चित ही आप उस कार्य में असफल रहे होंगे। अगर आप इस शक्ति का इस्तेमाल करना चाहते हैं, यदि आप अपने भीतर भी संकल्प शक्ति को उत्पन्न करना चाहते हैं, तो आपको अपने भीतर तीव्र इच्छा पैदा करनी होगी और इच्छा को जागरूक रखना होगा, क्योंकि ये तीव्र इच्छा ही आपको आपके संकल्प को जिंदा रखेगी। इसके बाद का जो रास्ता है, वह तो खुद ब खुद बनता चला जाएगा। इसलिए हमेशा खुद से सत्य बोलो। पूरे विचारों को, बुरी सोच को निकाल फेंको। अपने शब्दों पर पूर्ण विश्वास करके देखो। अपने शब्दों को अपने कर्मों से बदलो, क्योंकि कहा जाता है, संकल्प शक्ति ही आत्मा की शक्ति है। और यदि आप इसे अपने जीवन में उतारते हैं, तो देर सवेर ही सही, लेकिन आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं। और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो, तभी इस वीडियो को लाइक कर देना। और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।